हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोडाउन ट्रांसफर करना बताया था। अब मैं जो आपको ऑप्शन बता रही हूँ, वो भी मैं आपको स्टॉक जनरल का एक और फीचर बता रही हूँ कि स्टॉक जनरल वाउचर के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन मीन्स कि अगर कोई भी कंपनी के पास रॉ मटेरियल पड़ा है और रॉ मटेरियल यूज करने के बाद कंपनी ने कोई प्रोडक्शन करी, कोई सामान बनाया, तो उसके लिए हमें अगर एंट्री करनी है, कोई हमने रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, कुछ यूज करके हमने उसकी कोई चीज बना ली, और अगर हमें उसकी कोई हमने प्रोडक्शन कर दी और हमें उसकी एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के थ्रू एंट्री कर सकते हैं स्टॉक जनरल वाउचर में। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है वो रिपेयर जो है वो मॉनिटर्स, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये चीजें पड़ी हैं। हमने क्या किया, इन सब चीज ये जो चीजें हैं उन सब में कुछ कुछ चीजें हमें ऐड करके इनको ठीक करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इन सबको रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद हमने इनकी पूरी प्रोडक्शन कर दी प्रॉपर, इसको सारा कुछ ठीक करके हमने कंप्यूटर्स बना लिए। जैसे मेरे पास 5 मॉनिटर है, 5 सीपीयू है, 5 कीबोर्ड है, 5 माउस है। मैंने क्या किया, इन सब चीजों को ठीक करके मेरे पास कितने कंप्यूटर्स बन गए, 5 कंप्यूटर्स बन गए, और इनको मैं आगे सेल कर सकती हूँ जब मेरे पास ये प्रोडक्शन हो जाएगी। तो मतलब जो मेरे पास जो भी खराब सामान पड़ा है, जो मेरे पास एज रॉ मटेरियल पड़ा है, वो मेरे पास क्या पड़ा है, मॉनिटर्स पड़े हैं, सीपीयू पड़े हैं, कीबोर्ड पड़े हैं। इन चीजों को जब मैं यूज करके प्रोडक्शन करूंगी तो मेरे कंप्यूटर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी मेरे पास सबसे पहले अभी मैं आपको एग्जाम्पल जो बता रही हूँ उसके थ्रू मैं यहाँ पर सबसे पहले इनको परचेज करती हूँ। जब मैं इनको परचेज करूंगी तभी ये मेरे पास शो होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो परचेज कर लिया, F9 पे मैं परचेज कर रही हूँ। आप जैसे मर्जी परचेज कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, कस्टमर से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पंकज एंड कंपनी से परचेज कर लिया। और यहाँ पे हम आइटम्स बना लेंगे, जो जो भी आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं आप उनको ले सकते हैं। मॉनिटर्स मैंने ले लिए, ये गोडाउन जो है ऑलरेडी यूज था, तो इसलिए यहाँ पे गोडाउन मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर कंसीडर इसको नहीं करना तो आप यहाँ पे कोई भी गोडाउन दे सकते हैं या मेन लोकेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया कि मेरे पास 5 मॉनिटर्स हैं, जो मॉनिटर्स जो हैं वो मेरे को जो रॉ मटेरियल जो मुझे ये पड़ा तो ये 2500 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीपीयू जो है वो लिए, सीपीयू जो है मेरे पास वो भी मैंने किसी भी गोडाउन में यहाँ पे मैंने रख लिए। मेरे पास 5 सीपीयू हैं, एक सीपीयू जो है वो मेरे को 1500 रुपीज़ का मिला, जो ये अभी ख़राब है, ये मेरे को इसको करके यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड हमने लिया, 5 कीबोर्ड्स ले लिए मैंने, 250 का मुझे एक कीबोर्ड पड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया माउस, यहाँ पे हमने इसको पीसेस में लेके यहाँ पर भी हमने ले लिया। 5 माउस जो हैं वो मैं परचेज कर रही हूँ, 100 रुपीज़ का मुझे एक माउस पड़ा। देखिए, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो मेरे पास 21,750 रुपीज़ का पड़ा है। मतलब मेरे पास 5-5 ये सब चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो ख़राब है, मतलब रॉ मटेरियल है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर चेक करवाती हूँ आपको, तो ये मैंने परचेज कर लिया है, परचेज में इसकी एंट्री हो रखी है, तो ये मेरे पास स्टॉक में शो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, माउस। ठीक है, जो भी चीजें मैंने अभी परचेज की थी, अब ये सारी चीजों को मैंने क्या करना है, यूज करके, मतलब यूज क्या करना है, ये मेरे पास अभी खराब पड़ी है, मैंने इनको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद मैंने इसकी कोई चीज बना देनी है, प्रोडक्शन कर देनी है, कंप्यूटर में पूरे सही सही बना दूंगी और उनको मैं सेल भी कर सकती हूँ आगे। ठीक है, अपनी कंपनी के लिए ये मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो इसका मैं क्या करूंगी, इसको जब इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी तो मैं उसके लिए इसके बाद उसको सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी रॉ मटेरियल का अगर आपको कंजम्पशन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो आप ऐसे इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने इन्वेंट्री वाउचर्स पे आना है। देखिए, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मैंने आपको बताया था, इसके साथ देखिए यहाँ पे स्टॉक जर्नल में ही ऑल टैप 7 में जो होता है स्टॉक जर्नल, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कंजम्पशन मीन्स कि आपने क्या क्या सामान जो है वो यूज़ किया, और प्रोडक्शन मीन्स कौन सी प्रोडक्शन करी आपने ये सब चीज़ें बना के। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जो भी मेरा रॉ मटेरियल था, मैंने लिया सीपीयू जो है वो मेरे पास 5 पीसेस थे, मैंने सीपीयू 5 पीसेस लिए, मैंने मॉनिटर्स जो हैं वो मैंने 5 पीसेस लिए। यहाँ पे जो गोडाउन है मेरा ऑलरेडी फीचर यस हो रखा है, इसलिए वो मुझसे पूछ रहा है। अगर आपने यस नहीं किया होगा तो वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ले लेना है। और 5 पीसेस मैंने ये ले लिए, माउस जो है वो ले लिया मैंने, अम्बाला में है ये भी गोडाउन,
उसके बाद 5 पीसेस ले लिया। देखिए ये कंजम्पशन हो गया है, मतलब मैंने ये सारा रॉ मटेरियल यूज़ किया, तो अब देखिए यहाँ पे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों से क्या बनेगा, प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, कंप्यूटर्स की होगी। प्रॉपर एक कंप्यूटर बन जाएगा मेरे लिए, पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर करके एक आइटम बना लेती हूँ कंप्यूटर का, जो मेरी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो प्रोडक्शन कर दी। अब यहाँ पे क्वांटिटी, अब यहाँ पे पहले मेरे को गोडाउन लेना पड़ेगा, कौन से गोडाउन में मुझे इसको रखना है। मैं चाहूँ तो मैं अंबाला के गोडाउन में इसको रख सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी क्या लूँगी, अब देखिए 5 CPU हैं, 5 मॉनिटर हैं, ये तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो मतलब मेरे 5 कंप्यूटर्स ही बनेंगे। और यहाँ पे आप पर कंप्यूटर का रेट रख सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो रखने हैं, वो मेरे को 8000 रुपीज़ का कंप्यूटर रखना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे को 40000, जो मेरी जो रॉ मटेरियल था यहाँ पे रेट देखिए आ रहा है 21750। और यहाँ पे मैंने जो कमा लिया, जो मैं कमा लूँगी, जो प्रोडक्शन मैं जब बाद में इसको सेल करूँगी, तो 40000 रुपये का मैंने इसका रेट जो है वो 8000 रुपीज़ पर पीस रख दिया। ठीक है ना, तो ऐसे देखिए यहाँ पे हम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप कोई भी रॉ मटेरियल हो, ज़रूरी नहीं आप यही इसी चीज़ को, इसी एग्जाम्पल को, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट किया। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए स्टॉक समरी में जो मैंने प्रोडक्शन करी है वो मेरे पास आ रही है। ये देखिए कंप्यूटर मेरे पास 5 जो है वो शो हो गए, और जो मेरा यहाँ रॉ मटेरियल शो हो रहा था, जो मैंने आपको पहले चेक करवाया था, वो मेरा यहाँ से हट गया। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम हो चुके हैं, वो मेरे स्टॉक में है ही नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर कंप्यूटर जो है उसने जो प्रोडक्शन मैंने की वो उसने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब ऐसी एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपने फ्रूट्स को यूज़ करके जैम की बॉटल्स बनानी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, उन्होंने उनके पास इतना सारा रॉ मटेरियल आता है, उन्होंने कोई चीज़ को कंज्यूम किया, उसकी कोई प्रोडक्शन कर ली, उनकी एंट्रीज करनी होती हैं, तो वो हम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास वाउचर होता है ऑल 7 स्टॉक जर्नल, उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली आपको ये वाला फीचर भी देती है, आप इसको करके देखिएगा। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।